आत्मा ये निशान सोने के सिक्के पे लगाते थे। अच्छा, इसको बोलते हैं मोहर। अबे बढ़िया हवा आ रही यार, गाइस यहाँ से हवा आ रही बहुत तगड़ी। ये देखो ये छेद गए ऊपर की ओर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रोशनी के लिए बनाए गए हैं। तो आइए चलते हैं नीचे की ओर, भूल भुलैया में। चलो चलो, वही रोशनी पहुंचाने के लिए है ये पूरे एयर कंडीशन छेद बनाए गए हैं। ये टेलीफोन था, यहाँ से ऊपर आवाज जा रही है। ये देखो ये टेलीफोन है, लाइट मार के दिखाते हैं आपको, एक सेकंड। देखो ये छेद गए ऊपर की ओर, देख पा रहे हो आप, उल्लू की आंखें लग रही हैं। लेकिन जो मुझे हवा भी आ रही है ऊपर से। सो ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये, तो ये यहाँ पर क्या होता था, पहले जो आठ रानियाँ रहती थी मान सिंह जी की, वो नहाती थी इसमें। ये कुंड बना हुआ था, इसमें केसर मिलाया जाता था, उसमें नहाती थी केसर के पानी में। लेकिन गाइस अभी ये सूखा डला है, पर ये अब ये सूख चुका है, क्योंकि जब मान सिंह जी पर जब अटैक हुआ था, लोधियों ने जब अटैक किया था, तो जो मान सिंह जी तो मर गए थे, पर उनके बाद क्या हुआ था कि जो रानियाँ थी उनकी, उन्होंने क्या किया था, इसको इसमें अपनी मतलब जान दे दी थी अपने मतलब जल के, तो इसको जौहर रूम कहा जाता था। आठों रानियों ने यहाँ पर जान दी थी, और जो नौवीं रानी थी वो तो लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो चमगादड़ों का रात चल रहा है, आवाज़ काफ़ी गूंज रही है, जिस वजह से इसकी हिस्ट्री बताना काफ़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेरी आवाज़ इतनी गूंज रही है। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ आपको समझ में ही ना आ रही हो, ऐसी डरावनी आवाज़ आ रही है कि कुछ पूछो ही मत। ये वही है फांसीगर, हो सकता है यहाँ पर फांसी करने वाले लोगों की आज भी यहाँ पर आवाज आती है, उन लोगों की कह रही होगी रात के समय। भगलो यहाँ से भाई। काफी पुरानी आर्किटेक्चर की गई है यहाँ पर, देखो ये टूट गया भाई। ये ओपन डांसिंग हॉल है। अच्छा, बीच में राजा लगता है जो सेनापति, यहाँ पर हाँ जाली के पीछे रानी बैठती है, इस जाली के पीछे अंदर हाँ 100 फीट नीचे हवा जाती थी, यहाँ से अपन गए थे, अलग अलग शीशे लगे रहते थे, ये दिए हैं। अच्छा, ये पेंटिंग दो तरह की है, ऊपर वाला टाइल्स है, पीला वाला मीना पेंट है। ये ओपन डांसिंग हॉल है, वो वाला मेकअप रूम था, ये बेडरूम था। ये कूलर का सिस्टम है 500 साल पुराना, इसमें बांस की लकड़ी लगाई जाती है। अच्छा, इसमें बांस की लकड़ी लगाई जाती थी, अंदर बाहर लकड़ी के पंखे, सुगंधित पानी डालते थे, ऊंचाई होने की वजह से हवा आती थी। पहले हाँ पहले बाहर का पंखा चलता था, देन इनसाइड दिस फैन टच फॉर द परफ्यूम वाटर, देन एयर इज कमिंग। अच्छा, अबे सही में आ रही हवा यार, अबे सही में आ रही आती है, वो तो ऊपर है ना, अबे गाइस सही में आ रही हवा, वाह क्या हवा आ रही यार, अबे बढ़िया हवा आ रही यार, गाइस यहां से हवा आ रही बहुत तगड़ी। कितनी बढ़िया हवा आ रही है, बैठ के देख पानी में केसर मिला देते तो बढ़िया खुश हो जाएगा। ये देखो आ रही हवा, आ रही आती आती है हवा, देख रहा है जैसे कूलर चल रहा हो। एक ये है देखो, यहाँ पर तीन कक्ष दिए गए हैं हवा के लिए, एक ये और एक ये। बहुत बेहतरीन हवा आ रही है यहाँ से, बहुत ज़्यादा ही है, सुन पा रहे होगे अगर आपको हवा की आवाज़ आ रही है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। ये चाइनीज ड्रैगन है यादव जी,
ये स्लोइन का ऊपर सीन बना हुआ है, ड्रैगन बना है हाँ। ये घुंगरू बनी है, डांसर्स पैर में बांधती थी। अच्छा अब ये रुद्राक्ष भी कह रहे थे, वो अलग बताना है, वो अलग है और क्या। अरे तो तुम्हारा भाई ये ड्रैगन बने देखो इधर पे, इधर आ यार जी, ये पूरे दिए हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से बाहर जंगलों में जाती थी ये वाले, ये बंद है ना अभी। आगरा झांसी सीपरी ये बंद कर दिया गया। हाँ, आगरा झांसी सीपरी ये झांसी के लिए निकलते थे जंगलों दुश्मन को घेरने के लिए सीक्रेट में। ये डांसिंग पीकॉक का निकाला हुआ था, ये सिंबल खुशी के समय लगाते थे झंडे पर मोर का। ये दो हाथी है, लड़ाई के समय लगाए जाते थे झंडे पर। ऊपर राजा, जाली के पीछे उनकी रानियां, यहाँ सवा लगती थी, यहाँ रानियां बैठती थी, यहाँ राजा बैठता था ऊपर उस साइड, ऊपर सबसे ऊपर। ये तुलसी की पत्ती बनी हुई है, ये समय चक्र अपने राशि पे चलता है 24 घंटे। ये रुद्राक्ष के निशान है, ये तुलसी की माला के लटके, ये बिल्कुल चट्टान से बने हुए हैं, बिल्कुल चट्टान है ना ये। राजा मानसिंह पूजा करते थे शिव जी की। अच्छा, बिल्डिंग का नाम मान मंदिर है, हीरे के बाजार लगे रहते थे, मुगलों के द्वारा निकलवाए। ये रुद्राक्ष की माला लगाई कहाँ पे, ये अच्छा हाँ ये लगी ऊपर गोचारों तरफ लगी। हाँ, अंग्रेजों के द्वारा इसको बेडरूम बनाया गया, घड़ी नहीं होती थी। अच्छा, जैसे ही सुबह होती थी मुर्गा बोलता था, डांसर्स पैर में घुंगरू बांधकर इसके दम लगाते थे। सो फाइनली गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या है क्या नहीं है इधर पर, बस इतना ही है ग्वालियर के महल में और कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर और दिखाते हैं आपको बाहर के नज़ारे। फिलहाल ये काफ़ी बड़ा है गाइस, आपको बहुत टाइम लग सकता है घूमने में, तो आराम से टाइम निकाल के आएँ। ये हालत खस्ता हो चुकी है घूम घूम के, दो जगह और घूमते हैं फिर निकलते हैं। काफ़ी जंगल है भाई, किले के ऊपर ही जंगल है, बताओ ये पूरा पहाड़ पे बना हुआ है ये, पता कि हम लोग पूरे किले में घूम रहे हैं। रास्ता नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ सांप आप की बिल्ली बने। सोच रहे थे वहाँ से आपको व्यू दिखाएं बाहर का, दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। देखो ग्वालियर किले से ग्वालियर का व्यू, ये देखो वाह। अबे हवा चल रही इधर यार, अबे पास में ही रह गया वो, आ गए अपन लोग ऑलमोस्ट। आओ, काफ़ी यहाँ लोगों ने गंदगी फैला रखी है। सो फाइनली गाइस हम लोग सास बहू के मंदिर में आ चुके हैं, फिर हवाई सास बहू का मंदिर। शायद ये मंदिर सास बहू को लेकर बनाया गया है, दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। होती होंगी सास बहू की, आजकल भी होती हैं, मंदिर है वो, लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी इधर, जिग-जिग होती है। जिग-जिग कह रहा है, ये है भाई मंदिर। ये मेन गेट था यहाँ से हम लोग आए थे, और ये है भाई मंदिर सास बहू का, ऊपर चमगादड़ है। तो चलिए आपको 360 डिग्री दिखाते हैं यहाँ का। गाइड यहाँ पर आए नहीं है, हमने उनसे कहा था कि हम लोग को थोड़ा घुमा दो, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी दूर है। कोई नहीं, हमने तो आपको एक्सप्लोर करा दिया इस जगह को, और आपने देख लिया हुआ है इसके अंदर क्या है क्या नहीं। एक और बना है अंदर, ये पता नहीं क्या है, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो मंदिर था सास बहू का, दूर से अंदर नहीं हुआ, अंदर लिया आओ देख के तो आओ।
गाइस ये मना कर रहा अंदर जाने को, ये तावड़े मना कर रहा, समझा देना आप कमेंट में, गाली आली बक देना। ये देखो यहाँ से कैसा व्यू है यहाँ का, बहुत मेहनत से बनाया गया हुआ ये मंदिर, डिजाइन से पता चलता है इसके। फाइनली गाइस हम लोग ने देख लिया है सास बहू का मंदिर और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। भैया आपका नाम क्या है? कपिल सूर्यवंशी। भाई से मिलकर अच्छा लगा, भैया छिंदवाड़ा से आए हैं। हाँ काफ़ी दूर से आए भाई, कितने किलोमीटर है यहाँ से छिंदवाड़ा? यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर है। मतलब 700 किलोमीटर से आप बहुत लंबे नहीं आ गए? नहीं, दूसरे काम से आया था। अच्छा अच्छा ये गाइड गया था, दोबारा आओगे तो मैं 500 दे के जाओगे तो। अरे हाँ हमने कहा मन तो कह रहा था हम आएंगे नहीं। चलो भाई बाय, ये मिलते हैं। चलो अपन लोग इधरी से चल रहे जहाँ से आए थे, फुलझारी महल से, है ना। तो चलो भाई चलते हैं अपन लोग वापस से अपने सफ़र पर और दिखाते हैं आपको बाहर ले जाएगा। आओ और ये रहा, अबे ऊपर का क्यों दिखा दे, इधर का नहीं दिखाया था। हाँ हवा आ रही है इधर पे, आओ आओ G20 समिट। अबे पूरा ग्वालियर दिख रहा भाई यहाँ से, कैमरा दिख रहा है। हाँ भाई तुम भी दिख रहे हो, देखा जो कहाँ दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा। अरे साफ दिख रहा है, अरे क्लियर दिख रहा है तुम। हाँ कहाँ से आया भाई? इटावा। इटावा से आए अकेले? दूर से आ रहे हैं ना घूमने। अकेले आए कि चारों लोग हैं? नहीं जी, दो अगल है। अच्छा हम बगल के भाई। इटावा से आए, कितने किलोमीटर दूर से आए? इटावा होगा 150 किलोमीटर। हम लोग झांसी से हैं। हम लोग झांसी से। हाँ तुम ग्वालियर से हो? हाँ बगल के। कुछ समझा दो ग्वालियर वालियर के बारे में, बताओ कुछ इतिहास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कुछ बोल दो भाई, क्या बोलना चाहते हो? राजा लोगों की मौज आती है भाई, लोग हैं भाई से मिलके अच्छा लगा भाई। इटावा कह रहा है कि राजा लोगों की मौज थी यहाँ पर, वो कह रहे हैं हमें कहीं नहीं मिल रही। मिलेगी मिलेगी। फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं भाई लोगों से मिलके, और ये यहाँ पर बेचे पड़े हैं लोग, साले तू बिल्कुल नहीं पा रहा नीचे, एक धक्का दे दो तो नीचे ही चले आएंगे वो, अबे साले। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय, शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो गाइस, ठीक है भाई। तो गाइस हम लोग को जाते जाते ये चेन दिखी है जो गेट की चेन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ गेट तो रहा नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी चेन जिंदा है, और ये चेन इतनी भारी है कि मैं उसे उठा नहीं पा रहा हूँ भाई। देख सकते हैं आप ये चेन कितनी भारी है, ये देखो इतनी भारी चेन है, जिससे आप एक जानवर भी बांधेंगे तो बन जाएगा। बच गया मैं गिरने से, काफ़ी भारी चेन है ये देखो। अगर ये चेन किसी के मुंह पे गल जाए तो मुंह ही टूट जाएगा वहाँ का। इससे कोई कुत्ता उत्ता बिल्ली बिल्ली बांध सकते हैं? अपना कुत्ता बांध दियो, बकरी बांध दे अपनी, अबे खुद जाएगी पेट में 100% भाग ही नहीं पाएगी वो।